तो हे गाइस, आई एम जफर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल देख ही लिया होगा और समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले एज डिटेक्टेड वीडियो पे। अगर आपका अगर वीडियो पे एज डिटेक्टेड वीडियो पहले से ही वायरल हो चुकी है तो आपका चैनल मोनिटाइज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे एज डिटेक्टेड वीडियो अगर आपका भी लग चुका है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, और यहाँ पर आपके डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको जो है मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपका चैनल अगर आप रिव्यू में भेजते हो कि मोनिटाइज होगा या फिर नहीं होगा, ये मैंने लाइव देखा है अपने फ्रेंड के साथ। मेरे फ्रेंड का जो चैनल था उस पर करीब 5 लाख व्यू था उस वीडियो पे, और जिससे उसका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उस पर एज डिटेक्टेड लग गया था। एज डिटेक्टेड मतलब 80+ लोग सिर्फ उसे देख पा रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है 2020 में कि एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे वीडियो पे लग रहा है, चाहे वो थोड़ा बहुत भी एज डिटेक्टेड हो या फिर मॉड एप्लीकेशन हो, तो इस तरह के वीडियो पे एज डिटेक्शन लगना यहाँ पे आम बात हो चुका है। तो एज डिटेक्टेड अगर आपका वीडियो हो जाता है कि आपका चैनल मोनिटाइज होगा या फिर नहीं होगा, आपका उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा कि या फिर नहीं होगा, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला। तो चलिए यहाँ पे मैं हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका भी वीडियो 1 लाख व्यू, 2 लाख व्यू, 3 लाख व्यू आ चुका है, उससे आपका वॉच टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है, जो 4000 का वो घंटा का वॉच टाइम होता है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपका चैनल जो है मोनिटाइज होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि उसका वॉच टाइम जो है 100% काउंट होगा, और आपका चैनल आप रिव्यू में भेजोगे तो मोनिटाइज भी हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि उस वीडियो से आपकी कुछ भी अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि एज डिटेक्शन अगर लग जाता है तो उस पर एडवर्टाइजेशन फ्रेंडली नहीं रहता, ऊपर से उसका जो ऑडियंस रिटेंशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको जो है 80 से जो कम एज के लोग हैं वो उसे वॉच नहीं कर पाएंगे, तो आपका ऑडियंस ऐसे ही घट जाएगा उस वीडियो पे, और वो चैनल एक एडवर्टाइजमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं रहता है, तो आप कम्प्लीटली उस वीडियो से अर्निंग नहीं करवाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उस वीडियो को आपको डिलीट नहीं करना है, उस वीडियो को रहने देना है, बाकी आपको यहाँ पे काम करते रहना है अपना। जब आपके दूसरे वीडियो से 4000 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो को आप बाद में फिर डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।